गाइस 22 मार्च के दिन अपने गेम के अंदर OB39 का अपडेट आने वाला है। अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। तो इस बार के अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं, इस बार के अपडेट के बाद क्या अपना ओल्ड फ्री फायर वापस आएगा, और हम और आप लोग बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो है अपना ओल्ड फ्री फायर का अपडेट। क्योंकि फ्री फायर वालों ने रिसेंटली इतने सारे फीडबैक और सर्वे लिया जहां पे हम लोग से बस ओल्ड फ्री फायर के बारे में पूछा गया था, जैसे कि ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड, पिंक डायमंड स्टोर, वॉच एंड अर्न डायमंड, साथ में कलहरी मैप को बीआर रैंक के अंदर और भी पुराने पुराने मोड के बारे में पूछा गया था। और फ्री फायर वालों ने बस इसलिए फीडबैक लिया था कि इन सब चीज में आप लोगों को क्या क्या चीजें वापस चाहिए। तो ये सब जो अपडेट है आप लोगों को धीरे धीरे करके देखने को मिलने वाला है। और मैं तो बस ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। आप लोग किस चीज के लिए एक्साइटेड हो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड है शायद से आप लोग को इस अपडेट के बाद देने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस बार के एडवांस सर्वर के अंदर हम लोग को जो न्यू वाला ट्रेनिंग ग्राउंड था वही देने को मिला था, ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड देने को नहीं मिला है। लेकिन इस अपडेट के बाद आप लोग को कलहरी मैप बीआर रैंक के अंदर देने को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को कलहरी मैप चाहिए। तो फाइनली कलहरी मैप अपने गेम के अंदर बीआर रैंक के अंदर आने वाला है। तो कलहरी मैप को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट में हैशटैग जस्ट लिख दो, अगर आप लोग एक्साइटेड नहीं हो तो कमेंट में हैशटैग नो लिख दो। और साथ में आप लोग अपना यूआईडी कमेंट करना मत भूलना। और हां, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वाले वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां आपके दोस्त है सब जगह आप लोग इस वाली वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोग को बताता हूं कि इस बार के अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इस बार का जो मेंटेनेंस ब्रेक है 22 मार्च के दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे सुबह तक ही अपडेट होने वाला है। मतलब इस बार का जो मेंटेनेंस ब्रेक है वो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। और हर बार का मेंटेनेंस ब्रेक तो आप लोग को पता है सुबह 9:30 बजे से लेकर 6:00 बजे तक जो मेंटेनेंस ब्रेक वो रहता है, लेकिन इस बार का जो मेंटेनेंस ब्रेक वो सुबह 11:00 बजे ही ओपन हो जाएगा अपना गेम। और इस बार के अपडेट के बाद अपने फ्री फायर के अंदर बहुत सारे वेपन्स के अंदर एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सबका फेवरेट M187, इसका जो मिनिमम डैमेज है वो 10% कम किया जा रहा है, और इसका मिनिमम डैमेज रेंज 25% कम किया जा रहा है। मतलब इस बार के अपडेट के बाद आप लोगों को M187 को चलाने में मजा नहीं आएगा। और इसी के साथ स्कार और फेमस के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आप लोग स्किन के ऊपर देख पा रहे हो। वैसे फेमस की पावर को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है और स्कार का जो पावर उसको कम किया जा रहा है। वैसे आप लोग का फेवरेट वेपन कौन सा है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस बार के अपडेट के बाद बहुत सारे कैरेक्टर के स्किल को रिवर्क किया जा रहा है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर कौन कौन सा इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाहर के कुछ कुछ सर्वर पर वोट लिया जा रहा है कि कौन सा इंक्यूबेटर का बंडल आप लोग को रिटर्न चाहिए। तो इन तीनों इंक्यूबेटर के बंडल में से कोई एक इंक्यूबेटर का बंडल रिटर्न देने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इंक्यूबेटर के गन के स्किन के बारे में भी वोट लिया कि कौन सा इंक्यूबेटर गन का स्किन आप लोग को रिटर्न चाहिए। तो जल्दी अपने इंडियन सर्वर पर ये सब चीजें रिटर्न देने को मिलने वाला है। वैसे जो कुछ भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आप लोग को पहले ही अपडेट कर दूंगा, तो बस आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप हमारे वीडियो देख के सबसे पहले अपडेट हो जाओगे। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।